हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमरिंदर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लामीज थ्योरम, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में लामी का प्रमेय। ये लिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का लामीज थ्योरम, यानी कि लामी का प्रमेय। तो लामी का प्रमेय होता क्या है कि जैसे लिखा हुआ है कि इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतली संगामी बल, जिसे हम लोग कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी पर तीन बल लग रहे हों और तीनों किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर तीन बल लग रहे हों और तीनों बल जो है इक्विलिब्रियम में हों, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होगा। जैसे कि नीचे डायग्राम में बनाया गया है कि तीन बल हैं आपका, एक बल पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है। पी के सामने का कोण अल्फा है, यानी पी को जो हम ले रहे थे क्यू और आर के बीच का कोण अल्फा है, क्यू के सामने का कोण बीटा और आर के सामने का कोण जो है गामा है। तो प्रत्येक बल से इस दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं पी समानुपाती होगा साइन अल्फा के, क्यू समानुपाती हो जाएगा साइन बीटा के, ऐसे ही आर समानुपाती हो जाएगा साइन गामा के। तो यहाँ से देखेंगे पी बराबर हो जाएगा के साइन अल्फा, तो P बराबर हो जाएगा K साइन अल्फा, जहाँ के एक कांस्टेंट, ऐसे ही Q बराबर हो जाएगा K साइन बीटा और R बराबर हो जाएगा K साइन गामा। तो यहाँ से देखेंगे P अपान साइन अल्फा, यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि P अपान साइन अल्फा इक्वल टू Q अपान साइन बीटा इक्वल टू R अपान साइन गामा इक्वल टू K। तो यहाँ से यानी कि P बटे साइन अल्फा जो होगा Q बटे साइन बीटा बराबर जो होगा आर अपान साइन गामा होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी अपान साइन अल्फा, जैसे पी को जब ले रहे हैं तो क्यू और आर के बीच का कोण क्या है अल्फा है, तो पी अपान साइन अल्फा। जब क्यू ले रहे हैं तो पी और आर के बीच का कोण बीटा है, तो क्यू अपान साइन बीटा हो गया। जब आर ले रहे हैं तो पी और क्यू के बीच का कोण जो है गामा है, तो आर अपान साइन गामा, यानी पी अपान साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपान साइन बीटा इक्वल टू आर अपान जो है साइन गामा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक 200 न्यूटन का भार का पिंड दो रस्सियों द्वारा लटका हुआ है, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसा हम लोग डायग्राम देख रहे हैं कि ये रस्सी जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट बी होगा, और रस्सी जो हमारा ए बी है, ए बी रस्सी जो है वर्टिकल से 60 डिग्री कोण बना रहा है, और रस्सी बी सी जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पे जो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है कि एक रस्सी में तनाव मतलब टी ए बी होगा, ए बी रस्सी में तनाव, और ए सी रस्सी में तनाव टी ए सी होगा, और एक बल 200 न्यूटन है। तो यहाँ पे तीन बल हो गए। अब तीन बलों के बीच का कोण हमको निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अगर 60 डिग्री त्रिभुज में तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री एकांतर कोण से। तो ये 60 हो गए, 30 हो गए, तो बीच में जो बचेगा ए बी और ए सी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये 90 हो जाएगा, तो ये वाला भार वाली रेखा और टी मतलब ए बी जो हमारी रस्सी है इसके बीच का कोण जो होगा 90 + 30 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लामी थ्योरम लगा सकते हैं। लामी थ्योरम जो लगाएंगे तो टी ए बी अपन साइन 150 हो जाएगा, क्योंकि टी ए बी के सामने का कोण जो है 150 अंश है। बराबर हो जाएगा टी ए सी अपान साइन 120 इक्वल टू 200 अपान साइन 90। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कि टी ए बी अपान साइन 150 डिग्री, तो टी ए बी अपान साइन 150 डिग्री इक्वल टू टी ए सी अपान साइन 120 डिग्री बराबर 200 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग टी ए बी बराबर हो जाएगा 200 साइन 150। साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि साइन 150 बराबर साइन 180 माइनस 30। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से जाएगा 200 साइन 150, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा, और टी ए सी बराबर होगा आपका 200 साइन 120, और साइन 120 का वैल्यू जो होता है √3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 100√3। तो इसकी सहायता से हम लोग आराम से जो है दोनों रस्सियों में तनाव बल का मान निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।